हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे, और आप सभी हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। यही दुआ करती हूँ अपने भगवान जी से और माता रानी जी से कि आपके घर में हमेशा खूब सारी खुशियाँ आती रहे और गम कभी भी आप सभी के घर ना आए और कभी कोई बीमारी आपके पास ना आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे राजी मोम सोलन HP में बहुत 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 स्वागत है। और फ्रेंड्स, कई बार जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, बीच में शब्द ऐसे छूट जाते हैं तो उनको बाद में जब मैं देखती हूँ तो हंसी आती हूँ, पर मैं फिर भी वीडियो डाल ही देती हूँ, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा लगता है कि मैंने बोला ही नहीं है बीच में, पर मैं बोलती हूँ, पर नहीं वो कैच हो पाता ही है वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं समझने की कोशिश कीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी घर का सारा काम करने को है और राजीव स्कूल चला गया है। हमारे चने उबाले हुए थे, उसको मैंने बनाए और फिर वो चने खाकर स्कूल चला गया है। लुचपाती भी खाई उसने, और वो लंच नहीं लेके जाता है, और लंच भी नहीं लेके जाता है, स्वेटर भी नहीं डालता है, सिर्फ अंदर से टी शर्ट डालता है और बाहर से कमीज डालता है। ठंड हो चुकी है पर वो केड़ा नहीं मानता बिल्कुल भी नहीं। और रात को भी जुकाम बहुत रहता है उसको, नाक बंद रहती है उसकी, दवाइयाँ डालती हूँ, बहुत ज़बरदस्ती ही दवाइयाँ डालती रहती हूँ उसके नाक में हड्डी बड़ी हुई, बड़ी दिक्कत रहती है उसको। और फ्रेंड्स, मैंने अभी नाश्ते में कुछ नहीं खाया, एक अमरूद खाया था, वो भी नहीं खाया गया ढंग से, क्योंकि जो उसके बीज होते हैं दांत में लगते हैं फ्रेंड्स, बातें बहुत वो हो जाती है, बहुत कम पूरी वीडियो देखते हैं, पर ये बात करना बहुत ज़रूरी था आपके साथ, क्योंकि देखो बहुत कम लोगों ने मेरे जो जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो आल पे बटन नहीं दबाया हुआ, तो आप सभी से विनती है कि आप उस बटन को ऑन कर दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वैसे बताना जी, क्योंकि मन भी नहीं करता अब वीडियो डालने का, क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं, लोग पता नहीं वीडियो पसंद ही नहीं कर रहे कि क्या है। और आप सभी बताएं, क्योंकि ऐसे ही मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, व्यूज आएंगे तभी ही मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो पे आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप सबको ये मूर्तियाँ कैसी लगी? बुद्ध की और मंकी की और भगवानों की मूर्तियाँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू आए थे यहाँ दिवाली के लिए। ये दिवाली के करीब ही लगता है, पहले लगता है ये मेला हिमाचल उत्सव में, ये बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आई थी, बहुत अच्छा स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर लगा हुआ था हिमाचल उत्सव थर्ड ग्राउंड सोलन में, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी वो सस्ती थी, क्योंकि बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं यही बोलती हूँ कि जब उत्सव मेला लगता है तो ये सामान होता है तो ले लेना चाहिए, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा था। इनका मेहनत भी होती है, और दूर से लाना और इतने दिन रहना और फिर सामान बेचना, तो लोगों को चाहिए कि ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता सामान था और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, थैंक यू सो मच आप सभी का, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना जी। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ए कितने का भैया? ए कितने का बेटा? वो
उधर चलो ऊपर मेकअप वाले में चलो मेकअप वाले में थोड़ी जी बोलने ज्यादा नहीं आ रहा भूख लग रही।